भी बंदे को कभी नाराज नहीं किया, निराश नहीं किया और छोटे से छोटे बंदे के साथ इन्होंने फोटो करवाई है। यही कारण है कि सिद्धू मूसेवाला आज भले इस दुनिया में ना रहे हो, लेकिन आज वो सभी लोग जो सिद्धू मूसेवाला से मिले हैं या सिद्धू मूसेवाला को जानते हैं, आज वो वाक्य में ही रो रहे हैं। कौन थे सिद्धू मूसेवाला, कैसे उन्होंने इतने छोटे से समय के अंदर बुलंदियां छू ली और किस तरीके से जिनको वो अपना उस्ताद मानते थे, हिप हॉप के बड़े रैपर टूपैक, जिनका भी एक कत्ल हुआ था 1990 के दशक के अंदर, और वही सिनारियो आज रिपीट हो गया है सिद्धू मूसेवाला के साथ। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला का नाम सिद्धू मूसेवाला नहीं है, इनका ओरिजिनल नाम है शुभदीप सिंह सिद्धू। इनका जन्म 11 जून 1993 को होता है। गूगल मैप पर आप देख रहे हो, यह है प्यारा भारत और भारत के अंदर यह है पंजाब राज्य। पंजाब राज्य के अंदर एक शहर है मानसा, और मानसा के साथ बिल्कुल एक ये छोटा सा गांव है मूसा। मूसेवाला बताते थे, सिद्धू मूसेवाला बताते थे कि उनके गांव में कोई बस भी नहीं आया करती थी, और हमारा गांव एक पिछड़ा हुआ गांव है पूरे पंजाब को अगर देखा जाए। इसी पिछड़े हुए पंजाब को लेकर वो एक इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन में वो खड़े तो हुए लेकिन वो हार गए। लेकिन ये बात की बात है, सिद्धू मूसेवाला इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गए। दोस्तों, इन्होंने अपना सबसे पहले काम शुरू किया इस म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, गाने लिखने शुरू किए। इनका एक गाना बहुत फेमस हुआ था, और वो गाना गाया था उस समय के फेमस सिंगर निंजा ने गाना गाया था लाइसेंस, लेकिन इस गाने को सिद्धू मूसेवाला ने लिखा था। हालांकि आप कहोगे कि निंजा और सिद्धू मूसेवाला का मेल मिलाप कैसे होता है। दरअसल एक व्यक्ति है हरविंदर बिट्टू, इनकी एक म्यूजिक एकेडमी थी, इसी के अंदर निंजा भी अपना गाना सीखते थे और इसी के अंदर सिद्धू मूसेवाला भी अपना गाना सीखते थे। और वहीं पर हरविंदर बिट्टू जी ने सिद्धू मूसेवाला का लिखा हुआ गाना निंजा को दिया, क्योंकि उस समय निंजा की चढ़ाई बहुत थी लेकिन सिद्धू मूसेवाला को कोई नहीं जानता था। जैसे ही वो गाना निंजा को मिलता है, निंजा उसे गाते हैं, सिद्धू मूसेवाला का थोड़ा सा नाम बनता है, लेकिन पंजाब के अंदर सिद्धू मूसेवाला को उस समय कोई नहीं जानता था। उस समय सिद्धू मूसेवाला को समझ आ गया था कि म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर वो बड़ा नाम बन सकते हैं, और उनका गाना हिट हो गया है। इसी के बाद 2016 के अंदर उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, और उसके बाद वो चले जाते हैं कनाडा। कनाडा के अंदर ब्रैम्पटन ओंटारियो के अंदर उन्हें मिलते हैं बिग बर्ड। बिग बर्ड के साथ उन्होंने अपनी एक एल्बम निकाली, सो हाई नाम का गाना उनका सारे रिकॉर्ड तोड़ गया, और उस समय सिद्धू मूसेवाला ने पंजाब की इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था, क्योंकि उनका अकेला गाना ही 47 करोड़ लोगों ने देख लिया था, और उस समय सिद्धू मूसेवाला को कोई नहीं जानता था। पूरे पंजाब के अंदर सिद्धू मूसेवाला हो गई कि आखिरकार ये बंदा कौन है। कनाडा के अंदर उन्होंने अपने संगीत और भी रिकॉर्ड किए, और फिर जब वो पंजाब के अंदर आते हैं तो पूरा पंजाब उन्हें अपने सिर पर उठा लेता है। इस फेम के बावजूद भी सिद्धू मूसेवाला ने अपने गुरु को नहीं भुला, और हरविंदर बिट्टू जी के पास वो जाकर मिलते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। इसी के साथ सिद्धू मूसेवाला फिर पंजाब के अंदर और कभी कनाडा के अंदर अपने शो करते हैं, और इसी के साथ कॉन्ट्रोवर्सी और सिद्धू मूसेवाला का नाम और भी चढ़ाइयों पर चढ़ जाता है। लेकिन जितनी चढ़ाई होती है उतनी कॉन्ट्रोवर्सी भी होती है। एली मैग्नेट, ये एक ऐसे व्यक्ति है जो की खुद सिंगर है, और इन्होंने सिद्धू मूसेवाला और करण ओजला दोनों सिंगरों के साथ काम किया है। सिद्धू मूसेवाला को तो पूरी दुनिया जानती थी, और करण ओजला को भी पंजाब में और पूरी कनाडा, इसी के साथ पाकिस्तान और इसी के साथ इंग्लैंड के अंदर दुनिया जानती है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने भी एक अपने गीतों के साथ पूरा मनोरंजन किया है, और इनके गीत भी चोटी के गिने जाते हैं। पंजाब के अंदर तो इन्हें गीतों की मशीन बोला जाता है, और इसी गीतों की मशीन बोले जाने के कारण सिद्धू मूसेवाला और करण ओजला के बीच में ठन जाती है। दोस्तों, अक्सर करण ओजला और सिद्धू मूसेवाला के ऊपर ये एक आरोप लगाते हुए एक दूसरे को दिखाई देते हैं कि इन्होंने मेरा गाना चोरी कर दिया, इन्होंने मेरा गाना लीक कर दिया, और ऐसे ही ये इन दोनों के बीच में सॉन्ग्स के अंदर एक दूसरे को जवाब देते हुए दिखाई देते हैं। करण ओजला जी के मदर और फादर जी नहीं है, उनकी छोटे होते बच्चे होते हुई उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन करण ओजला ने अपने बलबूते पर अपना नाम कमाया और आज पंजाब के वो सुपर
सुपरस्टार सिंगरों में से एक हैं। लेकिन सिद्धू मूसेवाला और करण औजला की जो कंट्रोवर्सी थी वो अब खत्म हो गई है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के कारण करण औजला और करण औजला के कारण सिद्धू मूसेवाला का जो नाम पंजाब के अंदर बना है वो गिनती के दिनों के अंदर बना था। अब ये कंट्रोवर्सी हुई, इसके बाद सिद्धू मूसेवाला की कंट्रोवर्सी हुई AK-47 के साथ, फिर इनकी कंट्रोवर्सी होती है भिंडरावाले संत जी के साथ, और इसी के साथ खालिस्तान के साथ इनका नाम जोड़कर देखा जाता है। लेकिन ये सारी बातें हो जाती हैं, फिर होता है इनकी राजनीति में एंट्री, पॉलिटिक्स में सिद्धू मूसेवाला की एंट्री होती है और कांग्रेस पार्टी के अंदर वो चुनाव लड़ते हैं, और इनके विरोधी जो पार्टी एक कैंडिडेट खड़े होते हैं वो आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला खड़े होते हैं। इन्हें 1,00,000 वोट मिले थे और सिद्धू मूसेवाला को जो वोट मिले थे वो सिर्फ 36,000 वोट मिले थे। लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला को यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाता है पंजाब का, लेकिन बीते दिनों ही पंजाब के सीएम ने एक ये बात लिखी थी कि विजय सिंगला करप्शन करते हुए पकड़े गए हैं और उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए, और उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है और उनकी गिरफ्तारी हो गई है। ये सारी घटनाएं हुई हैं तो सिद्धू मूसेवाला ने एक गाना निकाला, गाने का नाम दिया स्केपगोट। स्केपगोट का हिंदी में मतलब होता है बलि का बकरा, यानी कि सिद्धू मूसेवाला ने इस गाने के अंदर हबड़ास निकाली है मानसा के लोगों के ऊपर कि आपने एक आम आदमी पार्टी के लीडर को चुन तो लिया, लेकिन वो बंदा आज करप्शन करता हुआ पकड़ा गया है, भले ही पार्टी का ठप्पा बदल दिया है लेकिन आज भी लोग तो वही हैं जो करप्शन करते हैं। सिद्धू मूसेवाला का ये गाना भी बहुत फेमस हुआ और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस गाने को देख लिया। लेकिन अब आता है उनके जिंदगी के आखिरी दिनों का वो दौर जब उन्होंने एक गाना गाया जिसके गाने वो अपने बचपन से ही सुनते आ रहे थे, और उनका नाम था टुपक। टुपक दोस्तों अमेरिका के बहुत ही फेमस रैपरों में से एक थे, और 1996 के दशक के अंदर उन्होंने 7.5 करोड़ से ज़्यादा रिकॉर्ड्स अमेरिका जैसे देश और पूरी दुनिया के देशों के अंदर बेच दिए थे, और उस समय टुपक हो गई थी अमेरिका के अंदर। लेकिन उनके जो गाने थे वो सिद्धू मूसेवाला भी सुनते थे, और उनकी लाइफ से सिद्धू मूसेवाला भी बहुत प्रभावित थे। इनकी उम्र टुपक की उम्र 25 साल की थी जब लॉस वेगस के अंदर उन्हें सरेआम गोलियां मार दी जाती हैं। गोली लगने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, 3 से 4 गोलियां उन्हें लगती हैं और 3 से 4 दिन ही उनका इलाज चलता है और फिर उनकी मौत हो जाती है। उनकी लाइफ से प्रेरित होकर सिद्धू मूसेवाला ने उनके ऊपर एक गाना लिखा था द लास्ट राइड। ये गाना बहुत फेमस हुआ और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उन्हें देख लिया है, और ये गाना उनका आखिरी गाना था। हालांकि इस गाने की जो पंक्तियां थी वो सिद्धू मूसेवाला के साथ मैच कर गई और वही इंसिडेंट सिद्धू मूसेवाला के साथ हो गया। दोस्तों टुपेक के ऊपर उन्होंने गाना लिखा, लेकिन टुपेक ने जो एक घटनाएं घटी थी उसके साथ वो सिद्धू मूसेवाला खुद को भी जोड़कर देखते थे, क्योंकि वो भी खुद हिप हॉप के एक कलाकार थे और टुपेक भी हिप हॉप का कलाकार था, लेकिन दोनों का अंजाम एक जैसा ही हुआ और बेसिकली ये बहुत ही निंदनीय घटना हुई। गैंगस्टरों ने ये काम किया है, गैंगस्टर कह रहे हैं कि हमारे भाई को मारने में सिद्धू मूसेवाले का नाम था और उसका हमने बदला लिया है। खैर सच्चाई क्या है झूठ क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पुलिस ही इसे एक गैंग वॉर बता रही है और बेसिकली अब आने वाले समय में और भी डिटेल निकलने वाली है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला पंजाब पाकिस्तान इंग्लैंड कनाडा के अंदर जितने फेमस थे उनका नाम कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, और एक लेजेंड सिंगर के नाम पर उन्हें देखा जाता है, और वो डाउन टू अर्थ थे कि कभी भी अपने साथ वो कभी भी किसी भी लोगों के साथ इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते थे कि वो कोई बड़े इंसान बन गए हैं। और तो और वो खुद अपने घर खेत के अंदर खेती किया करते थे, मजदूरों के साथ घुमा करते थे, और उनकी लाइफस्टाइल बहुत एक नॉर्मल थी और बेसिकली शेर की तरह उन्होंने अपनी जिंदगी जी थी। भले ही गैंगस्टरों से उन्हें धमकियां मिलती रही, 2020 के अंदर भी उन्हें धमकियां दी गई थी। पंजाब और हरियाणा के 2 गैंगस्टर पकड़े गए थे, उन्होंने कहा था कि हमने सिद्धू मूसेवाला से 50,00,000 की डिमांड रखी थी, अगर सिद्धू मूसेवाला हमें वो 50,00,000 ना देता तो हम उसे गोलियां मार देते। इस तरीके की भी कई एक गैंगस्टर्स एक उनके पीछे लगे हुए थे, और बेसिकली जो हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ है आरोप लगाए जा रहे हैं कि सिक्योरिटी नहीं दी गई। दरअसल 4 लोगों की सिक्योरिटी दी गई थी सिद्धू मूसेवाला को, लेकिन हाल ही में भगवंत मान की सरकार ने 2 एक जो कमांडो थे वो वापस ले लिए थे, और 2 कमांडो अभी भी सिद्धू मूसेवाला के पास थे। लेकिन वो 2 कमांडो जब वो अपनी
अपनी आखिरी राइड में जा रहे थे और आखिरी राइड में वो एक जहां पर जा रहे थे वो मैप भी आप देख लीजिए। यह है प्यारा भारत और भारत के अंदर पंजाब, पंजाब और पंजाब के अंदर मानसा, मानसा के अंदर एक गांव है मूसा, मूसा से ले दोस्तों एक गांव है जोहार के, जोहार के गांव के अंदर उन्हें गोलियां लगी हैं। और बेसिकली ये एक गोलियां जब लगी हैं तो वो अपनी थार जीप के अंदर जा रहे थे, उस जीप के अंदर 3 लोग बैठे हुए थे और उस जीप के अंदर 2 बॉडीगार्ड उन्हें जो मिले हुए थे वो उस जीप के अंदर मौजूद नहीं थे, वो उनके मूसा गाँव के अंदर अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, मूसे वाला उन्हें अपने साथ लेकर नहीं गए थे। हालांकि अगर सिक्योरिटी होती भी तो भी सिद्धू मूसेवाला ने वो सिक्योरिटी अपने साथ ना ले जाकर और अपनी गाड़ी भी उनकी एक बुलेट प्रूफ नहीं थी, हालांकि उनके पास रेंज रोवर नाम की एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, लेकिन इसी के साथ वो एक अपनी थार जीप के ऊपर गए थे और पीछे से बोलेरो गाड़ी जो एक संदिग्ध गाड़ी बताई जा रही है वहाँ पर उनके गैंगस्टर बैठे हुए थे और उन्होंने मौका देकर गोलियाँ चला दी और गोलियाँ भी पूरी AK-94 से चलाई हुई बताई जाती हैं, हालांकि अभी जांच हो रही है। लेकिन इस घटना की जितनी निंदा की जा सके उतनी कम है, लेकिन मानसा मूसा का नाम पूरी दुनिया में चमकाने वाला वो शाइनिंग स्टार अब इस दुनिया से चला गया है और पंजाब और भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति के तौर पर देखा जा रहा है। आप क्या कहना चाहोगे सिद्धू मूसेवाला के बारे में? ऐसे के साथ हो यार ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक वीडियो अपलोड। यार पहले तो यार ऊपर वाला उनके घर वालों को सबर और सबर दे और इनके आत्मा को शांति दे। बिल्कुल यार जो हुआ यार बहुत बुरा हुआ, सीरियसली मैं बताऊं यार जैसा भी था इनका बैकग्राउंड हमें नहीं पता, लेकिन हम इनको गानों की वजह से जानते हैं। बिल्कुल सही, हम मतलब गाड़ियों क्या मतलब यंगस्टर्स की पहली पहचान सिद्धू मूसेवाला था। इनका एक सॉन्ग था 295 वो सोशल मीडिया पे वही आ रहा है, 29 और 5 मतलब मतलब क्या चला। और लास्ट राइड उसका सॉन्ग था और सेम उसी तरह ही उसके साथ, मतलब यार काफी सारी चीजें अगर देखी जाए ना। और उनको कह रहे थे कि इनको अपनी मौत के बारे में पहली मतलब काफी आप लोगों ने भी सुना होगा इनको। पाकिस्तान में कल कितने लोग टिकटॉक क्या ट्विटर पे टॉप ट्रेंड था इनका, सबसे ज्यादा बड़े से बड़ा यूट्यूबर साइड था यार, मतलब यार हमारा खुद कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था, बहुत लगाव हो गया था, बहुत कमाल के सिंगर थे यार। सिंगर को यार उसकी भाई सिंगिंग से पहचाना जाता है, ऐसे में बहुत कमाल बंदे थे, बहुत कमाल के बंदे थे यार। हम यही दुआ करते हैं कि शांति दे और उनके घर वालों को सबर दे ताकि मतलब अपने माँ बाप का इकलौता बेटा बैठे यार। मतलब ये इंडिया का नाम भी और बहुत ऊंचे लेवल पे लेकर गए थे और कोई शक नहीं यार, हम यही दुआ ही कर सकते हैं अब और कुछ नहीं। और हम यही कहते हैं जिन्होंने मतलब कत्ल किए उनको गंदी से यार, जिन्होंने बुरा किया ना हमेशा बुराई का अंत बुरा ही होता है, हमेशा मेरी बात याद रखना, क्योंकि जो बुरा करेगा वही काटेगा। तो यार अगर उन्होंने इस तरह किया तो उनके साथ भी इसी तरह ही होना है। बस यही है कि हम दुआ कर सकते हैं इनके लिए। गाइस आप लोगों का कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, तो इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना यार।